जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो आज हम उसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं और आपके एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और जिस तरह से एमपीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं साइंस एंड टेक से। और यूनिट 7 जो है, मुझे जहाँ तक लगता है, एमपीपीएससी की सबसे टफ यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक हम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, एक चीज़ और आपको क्लियर करा दूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कभी भी अलग नहीं होती है, इसलिए मेंस में पेपर 3 का यूनिट 9, जिसमें एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी भी आपका है, तो उसकी उसके लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है और साथ में ही आपका मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा, वो सिर्फ मेरे वीडियो देख के। ठीक है, इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलेगा एमपीपीएससी के लिए। और एक बात और क्लियर करा दूं कि एमपीपीएससी का कोई भी यूनिट का प्रिपरेशन आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई चैनल या कोई वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव के थ्रू इनको कंप्लीट कराया जा रहा है, तो उनको मत देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के थ्रू किसी की प्रिपरेशन नहीं होती। हाँ, सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव करने से आपका रिविजन जरूर आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है, लेकिन कभी उसको पढ़ने से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चैनल को जाकर सीधे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, क्या होता है, इन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी लीनियर बट दैट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल। मतलब बोल रहा है कि आपका, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एनर्जी जो होती है, ठीक है, एनर्जी जो होती है, क्वेश्चन आ भी चुका है, एनर्जी जो होती है इकोसिस्टम में हमेशा लीनियर होती है। लीनियर कैसे होती है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है जिसमें आपका प्लांट्स आ जाता है, उसके बाद आपका हर्बीवोरस होता है, उसके बाद आपका कार्निवोरस होता है, उसके बाद आपका ओमनीवोरस होता है, और उसके बाद आपका कार्निवोरस के बाद आपका होता है डेट्रीवोरस। ठीक है, तो ये आपका लीनियर में हो गया। ठीक है, लीनियर में हो गया ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है लीनियर होती है और हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मतलब एनर्जी हमेशा इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर कभी नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज एनर्जी फ्लोज डाउन हिल, इट इज यूटिलाइज और लॉस्ट एज ए हीट एज इट फ्लोज फॉरवर्ड। द न्यूट्रिएंट्स ऑन द अदर हैंड साइकिल्स फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल बाय डेट्रीवोरस व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड अगेन। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर पास्ड ऑन टू हर्बीवोरस एंड देन कार्निवोरस। ये बोल रहा है रिसाइकल वेल कैसे होती है, इसको समझाने किसने प्रयास किया है, तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो होती है ऊपर से नीचे, मतलब हम जब इसमें पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में पढ़ते हैं तो हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन अगर इन जनरल सेंस देखें तो एनर्जी जो हो रही है हमेशा डिग्रेड ही हो रही है। 10% रूल हमने पढ़ा था कि हमेशा 10% एनर्जी जो है लॉस हो जाती है, तो 10% एनर्जी जो लॉस हो रही है वो धीरे धीरे जब आपका डेड रिमेन्स या डेट्रीवोरस के पास आती है तो उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है सॉइल में। ठीक है, मिट्टी में, और मिट्टी के बाद वो जो होती है पौधे उसको दोबारा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके फिर से वही साइकिल चल जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा साइकिल कैसे बन गया, एक साइकिल ऐसे बन गया कि ये आपका प्रोड्यूसर हो गया या प्लांट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आया, इसके बाद आपका आया हर्बीवोरस जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, उसके बाद आया आपका कार्निवोरस। ठीक है, जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को खाते हैं, उसके बाद आया आपका ओमनीवोरस जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, उसके बाद आया आपका डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस ने क्या किया, डेट्रीवोरस ने इसको मिला दिया किसमें, सॉइल में, मिट्टी में, और इस मिट्टी को फिर से प्लांट ने ले लिया अपने न्यूट्रिशन के तौर पे, और फिर यही साइकिल चलने लगा। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, आगे पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा हमें। द न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड इन द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज बैक इन टू द सॉइल बाई डेट्रीवोरस एंड डिकम्पोजर। दिस रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से, कि आपको बायो जियो केमिकल क्या होता है और न्यूट्रिएंट साइकिल दोनों ही एक चीज होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपका बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है रॉक, और केमिकल का मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसी से ये बना हुआ है कि बायो जियो और केमिकल से बना हुआ है।
तो ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड होते हैं आपके डेड रिमेन्स में एंड वो जो आपके सॉइल में डायरेक्ट रिलीज कर दिए जाते हैं, उसके बाद फिर से रिसाइकल होकर पेड़ पौधे में चले जाते हैं और फिर एक साइकिल में आ जाते हैं। इसी को हम बायो जियो केमिकल बोलते हैं या न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का साइकिलिंग हो रही है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपके हर चीज़, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, हर चीज़ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देयर आर मोर देन 40 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय प्लांट्स एंड एनिमल। द एंटायर अर्थ और बायोस्फियर इज ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। एंटायर अर्थ और बायोस्फियर इज अ क्लोज सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स आर नाइदर इम्पोर्टेड नॉर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द बायोस्फीयर। सिंपल चीज ये है कि जैसे एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसके सिर्फ जो होता है रूप चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स कभी आपके ना आते हैं ना जाते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, रिसाइकलेबल होते हैं, क्लोज सिस्टम में ऐसे घूमते रहेंगे, इससे इसमें जाएंगे, इससे इसमें ऐसे कर घूमते रहेंगे। तो यही बोल रहा है कि करीब 40 एलिमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं हमारी लाइफ के लिए, और जो इंटायर अर्थ और बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और उसी के थ्रू जो होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, वो हमारे बायोस्फीयर में ही रह जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जब भी खाना खाते हैं तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपको वो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है, आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपकी मल्टी विटामिन कैप्सूल आती है, मल्टी विटामिन कैप्सूल आती है। तो अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आप लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई भी अच्छी कंपनी का आप मल्टीविटामिन लीजिए, उसको खाइए, उससे आपका क्या होगा, रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, एनर्जी आपकी रहेगी, तो आप लोग खा सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए जरूरत है, करीब 40 एलिमेंट वो आपको फूड में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। देर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल। दो इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स होते हैं, रिजर्वायर पूल होता है और एक साइकिलिंग पूल होता है। रिजर्वायर पूल में एटमॉस्फेयर और रॉक विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपका पत्थर में जो रॉक्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो जाते हैं उसको रिजर्वायर पूल कहते हैं, और एक होता है साइकिलिंग पूल या कंपोनेंट ऑफ साइकिल। दे आर रिलेटिवली शॉर्ट शॉर्टेज ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ आपको समझना है कि बायो जियो केमिकल्स में दो ही साइकिल होते हैं, एक तो रिजर्वायर जो आपका स्टोर कर लेता है, एक साइकिलिंग पूल होता है जिसमें चीजें जो होती हैं वो साइकिल होती रहती हैं, ठीक है। तो मेन जो हम लोग साइकिल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो हम पढ़े कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ ए न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर्ड टू द परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। मतलब समझिए कि अगर यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट 100 ग्राम था, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट 100 ग्राम था, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांसफर होता गया जानवर से पौधे से, ऐसे करके ट्रांसफर होता गया, और अगर ये फिर रिसाइकल होकर 100 ग्राम आ गया, ठीक है, 100 ग्राम था, 100 ग्राम ही आ गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये परफेक्ट साइकिल। लेकिन परफेक्ट साइकिल कभी भी नहीं होता, कुछ चीज़ें हमेशा लॉस हो जाती हैं, तो परफेक्ट साइकिल कुछ भी नहीं होता। अगर ये लौट के थोड़ा सा कम होके ही 90 ग्राम से भी आ गया, तो इसको इम्परफेक्ट साइकिल हम कहेंगे। तो परफेक्ट साइकिल करके कुछ नहीं होता, ये आप समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, 100 ग्राम यहाँ से लिया गया, बाद में 100 ग्राम वापस आ गया किसी तरह घूम के साइकिलेबल होके, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट पीरियड के हिसाब से न्यूट्रिएंट साइकिल को परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल में हम लोग डिवाइड करते हैं। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल वो होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज। मोस्ट गैसेस साइकिल आर जनरली कंसिडर्ड परफेक्ट साइकिल। तो मोस्ट गैसेस जो गैस होती है उनको रिप्लेस कर जाता है, क्योंकि गैस जो होता है जल्दी से रिप्लेस करती है, इसलिए इसको परफेक्ट साइकिल बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो अगर सिंपल समझे कि अगर पूछ लिया गया कि गैस जो होती है परफेक्ट साइकिल में कौन सी चीजें आती है, तो गैस को आप लिख सकते हैं, गैसियस साइकिल जो होती है परफेक्ट साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन ये आपके समझने के लिए परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाए या मेंस में आप लिखे तो हमेशा समझ लीजिएगा। बट जो गैस होती है उनको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं परफेक्ट साइकिल है। इसके बाद बात करें, इन कॉन्ट्रैक्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसीडर रिलेटिवली इम्परफेक्ट एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट एंड सो बिकम अनअवेलेबल फॉर द इमीडिएट साइकिलिंग। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, नेमली द गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल होती है, दो टाइप की। अब इसको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल में गैसियस साइकिल बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। गैसियस साइकिल होती है जिसमें एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर की चीजें आपकी क्या होती है, स्टोरेज होती है। मतलब रिजर्वायर, उसका जो रिजर्वायर होता है वो आपका एटमॉस्फेयर होता है,
जिसमें आपकी हाइड्रोजन आ गई, गैस आ गई, नाइट्रोजन आ गई, ये सब एटमॉस्फेयर हो गई, या हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जहाँ पे पानी होता है, क्योंकि आपकी नदियाँ जो होती हैं वो मिनरल्स को लेकर जाती हैं और आपका समुद्र या नदियों में मिला देती हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको हाइड्रोस्फेयर। और सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, जिसमें आपका रिजर्वायर जो होता है अर्थ का क्रस्ट होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे इसको, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख लीजिए कि पूछ लेगा आपसे सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वायर आपका कौन सा होता है, तो अर्थ का क्रस्ट या रॉक भी इसको लिख सकते हैं। अर्थ का क्रस्ट या रॉक जो होता है सेडिमेंट्री साइकिल में आपका रिजर्वायर होता है, और गैसीय साइकिल में एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना पहला साइकिल पढ़ते हैं, इसको हम लोग कार्बन साइकिल बोलते हैं। कार्बन साइकिल का मतलब हुआ कि कोई कहीं पर कार्बन था, ठीक है, उस कार्बन को पहले रिप्लेस किया गया, वो पहले रोटेट होते रहे डिफरेंट चीज़ों में और बाद में उसको रिप्लेनिश कर दिया गया, उसको फिर दोबारा ला के पूरा कर दिया गया, इसी को हम लोग कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो प्रेजेंट होती है वही आपकी यूज होती है किसमें, कार्बन साइकिल में, आपका सोर्स के रूप में। सोर्स मतलब जिससे चीजें ली जाए, ठीक है, तो सोर्स के रूप में। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, therefore oceans are contains large quantity of dissolved carbon dioxide, ठीक है, तो ये पानी में घुल जाती कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर और दूसरी कहाँ पे मिलेगी आपको, आपका ओशियन में, ठीक है, जो महासागर होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको डिजॉल्व रूप में मिल जाएगी। फिर आपका दूसरा कार्बन साइकिल कहाँ से पूरा होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, हंसिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द यूटिलाइज CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टाइम कहां पे यूज हुआ, आपका प्लांट्स जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं सबसे पहले, जो सन से क्या लेते हैं, ठीक है, सूर्य से एनर्जी, सूर्य से आपका लाइट लेते हैं, और आपका न्यूट्रिएंट्स लेते हैं आपके जो उनकी सॉइल पे होता है, उसके बाद वाटर भी वहीं से लेते हैं और पूरा प्रोसेस करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, इनमें से जो इनऑर्गेनिक कार्बन, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में या फूड में, और जो ऑक्सीजन बचता है उसको रिलीज कर देते हैं आपके हमारे जो एनिमल्स हैं उनके रिस्पिरेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम द फूड मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर मेटाबॉलिज्म एंड द रेस्ट इज स्टोर्ड एज देयर बायोमास व्हिच इज अवेलेबल टू वेरियस हर्बीवोरस हेट्रियोट्रोप्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म एज ए फूड, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका फोटोसिंथेसिस यूज हुआ, प्लांट ने यूज किया, उसके मेटाबॉलिज्म से रेस्ट जो होता है आपका स्टोर होता है बायोमास में, जो आपके जानवर होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, एट्रोट्रॉप्स जो होते हैं और इवन ह्यूमन बींग्स जो हम लोग जो खाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाते हैं वो लोग फूड खाते हैं, आप लोग ना पेड़ के कुछ लोग पत्ते, कुछ जानवर पत्ते खाते हैं, हम लोग फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हमारे लिए यूज हो जाता है, ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्स्ट जो हो गया आपको CO2 इस तरह से यूज हो जाता है। सेकंड अगर देखें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन मतलब सांस लेना, तो रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं, इवन पेड़ पौधे भी करते हैं। इट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी, मैंने आपको पहले बताया था मेटाबॉलिक वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई चीज को प्रोसेस करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट या निकाली जाती है, ठीक है, जिससे एनर्जी जो होती है एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, तो यही होता है कि इस कि श्वसन में हम क्या करते हैं, श्वसन में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो लेते हैं वो क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है अंदर जाके और उससे एनर्जी निकालता है, CO2 निकालता है और वाटर, तीन चीज निकालता है, एक तो एनर्जी निकालता है, CO2 और वाटर। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस, जो हमने एनर्जी हुआ हमारे शरीर में जो भी एनर्जी ऊर्जा है उससे हम काम कर लेते हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल या डिकम्पोजर, और CO2 जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाती है। तो फाइनली क्या हुआ, CO2 जो पेड़ पौधों ने ली थी आपके खाना बनाने के लिए, उसको हम लोगों ने या जानवर जो थे उन्होंने रिलीज कर दिया, और एटमॉस्फेयर में कहाँ से रिलीज हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर में ऑल द फूड एसिमिलेटेड बाय एनिमल्स और सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज नॉट मेटाबॉलिज्ड बाय देयर कंप्लीटली, अ मेजर पार्ट इज रिटेन्ड बाय देम एज देयर बायोमास व्हिच बिकम्स अवेलेबल टू डीकंपोजर ऑन देयर डेथ, द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इज डीकंपोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड CO2 इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द डीकंपोजर। और फाइनली क्या हुआ कि जितना हमने आपका फूड खाया था
वो पूरा फूड तो उसमें भी कुछ कार्बन तो रह जाता है बॉडी में, हमारे कार्बन होता है ना, कार्बन डेटिंग आप लोग करते हैं किस चीज़ की एज पता करने के लिए, तो वो इसलिए क्योंकि वही कार्बन जो होता है हमारी बॉडी का, तो जो कार्बन शेष रह जाता है तो वो हमारे मरने के बाद या जानवरों के मरने के बाद क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसी को कार्बन साइकिल हमने बोला। कार्बन साइकिल में क्या हुआ कि एक सन था मतलब सूर्य, इससे प्लांट्स ने क्या लिया, प्लांट्स ने CO2 लिया, और इस प्लांट से आपका फिर एनिमल्स या जो आपके हर्बीवोरस थे उन्होंने लिया, और फाइनली क्या हुआ, मान लीजिए इनको कार्निवोरस ने खाया, फिर ओमनीवोरस ने खाया, और बाद में ये मर गए। बाद में इस मरने के बाद डिकम्पोजर ने क्या किया, डिकम्पोजर ने बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया कार्बन को, और फिर ये कार्बन कहाँ चला गया, एटमोसफियर में चला गया, और बाद में एटमोसफियर से फिर से किसने ले लिया, ये प्लांट्स ने ले लिया, तो एक साइकिल बन गया। तो इसी को कहते हैं हम क्या, CO2 साइकिल, ठीक है, जैसे कि अगर आप समझे। और लास्ट अगर आप देखें थोड़ा सा, तो बर्निंग बायोमास रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, जो आप लोग चीजें जलाते हैं उसमें भी आपका पता है कि आपको CO2 निकलता है, ठीक है, कोई भी चीज आप जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यही चीज देखिए दिखा रहा है आपका, ठीक है, इसमें कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से जो एयर इसने लिया, ठीक है, प्लांट ने लिया, प्लांट से क्या किया, प्लांट से आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो कन्वर्ट हुआ, जिसको आप लोगों ने खा लिया, किसने, जानवर ने खा लिया, एनिमल ने रिस्पिरेशन के, देखिए एनिमल ने किसके थ्रू छोड़ा, श्वसन के थ्रू छोड़ा, प्लांट ने भी रिस्पिरेशन के थ्रू कुछ छोड़ा, और आपका डेड ऑर्गेनिक का वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो बचा वो फॉसिल और फॉसिल फ्यूल में चला गया, ठीक है, और कुछ जो होता है ऑटो इफेक्टिव जहाँ पे कम्बस्चन होता है उसके थ्रू चला जाता है। तो ये पूरी CO2 साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मेंस में अगर कुछ आया तो आपको ये बनाना पड़ सकता है। प्रीलिम्स के लिए जो आपको समझा दिया उतना इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करें सेकंड की, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, अब सेकंड की बात करें नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो प्रोटीन का जो मेन है, आपको पता है कि प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। आर एटमॉस्फेयर कंटेन्स नियरली 79% ऑफ नाइट्रोजन, बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर पाते हैं नाइट्रोजन को। आपको पता है कि जो भी हमारे अंदर नाइट्रोजन जाती है हवा के साथ में, वो जितनी परसेंट, नाइट्रोजन ही ऐसी गैस है जो जितनी परसेंट अंदर जाती है उतनी परसेंट बाहर जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि श्वसन में जब भी हम कोई गैस लेते हैं तो सारी गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो होती है वो थोड़ी बहुत कंज्यूम हो जाती है, बट नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो जितनी परसेंट लेती है जैसे कि तैसी वो बाहर आ जाती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, बट इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। ब्रॉडली लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑल्सो साइकल्स फ्रॉम द गैसियस फेज टू द सॉलिड फेज, देन बैक टू द गैसियस फेज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ वायर वेराइटी ऑफ, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ था पहले किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, प्लांट्स ने लिया था उसको, फिर ऑर्गेनिक में कर दिया गया, ठीक है, फल के रूप में और पत्तों के रूप में, और उसको फिर से खा लिया गया जानवर द्वारा। उसी तरह नाइट्रोजन भी क्या होती है, पहले आपका जो गैसियस फॉर्म होता है उससे फिर आपकी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर सॉलिड फॉर्म से आपकी गैसियस में चली जाती है। और साइक्लिंग ऑफ द नाइट्रोजन वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। जैसा कि आपको बताया गया कि प्रोटीन का जो मेन पार्ट होता है, प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन ही होती है। चलिए तो हम समझें कि देर आर 5 मेजर प्रोसेस बाय विच एसेंशियल ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल आर इलेबोरेटेड, ठीक है। सबसे पहली बात, 5 प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन जो होती है रिसाइकल्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट आपका कौन सा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, ए फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज बाई प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय फॉलोइंग 3 मीटर। ये बोल रहा है कि फर्स्ट नाइट्रोजन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपका मेंस में जो 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और इवन जो उससे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ सकता है 3 मार्कर क्वेश्चन जो आपके आते हैं, और प्रीलिम्स में तो जरूर पूछेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन टू अमोनिया पूछा है। ध्यान रखिएगा अमोनिया पूछा है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं पूछा बोला है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं बोला है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा, आप हमेशा इसका अमोनिया लगा के आएंगे। किस जो आपका कन्वर्ट करता है, क्या करता है कि कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इंटू अमोनिया कर दे, तो उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और बाद में ये प्लांट्स द्वारा यूज कर लिया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ही 3 मेथड, ठीक है, हमने ये 5 मेथड जो पढ़े वो अलग है, वो हम पढ़ेंगे। उसका पहला मेथड नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिससे जाती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 प्रोसेस हैं, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, समझा देता हूँ। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसमें आपका लाइटनिंग,
जो आपकी बिजली कड़कती है उसमें भी कुछ फिक्स हो जाता है, कम्बस्टन कोई चीज जलती है उसमें भी, वॉल्केनिक जो आपका क्या कहते हैं ज्वालामुखी फटता है उसमें भी आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कुछ हो जाता है। फिक्सेशन का मतलब कुछ नहीं है, फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन का रिलीज होना है, ठीक है। उसके बाद बात कर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इसमें हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन जो होते हैं एटॉमिक नाइट्रोजन में आपके टूटते हैं और फिर हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर अमोनिया बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा बैक्टीरिया फिक्सेशन, जिसमें दो टाइप का, हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया फिक्सेशन में आपका ये साइनो बैक्टीरिया पूछ लेता है आपका, ठीक है, राइजोबियम और साइनो बैक्टीरिया हमेशा पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है किस लिए उपयोग में आते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोग में आते हैं, जिसमें आपका सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में राइजोबियम क्या होता है, जो आपका इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब होते हैं आपके जो एक्सक्यूज मी लेग्यूमिनस प्लांट आपके होते हैं जिसमें आपका जैसे कि आपका राजमा, ठीक है, राजमा जैसे, या आप लोग बरबटी खाते होंगे, बीन्स खाते होंगे, ये सारे जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम पूछ लेगा तो आपको बताना है ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। चलिए आगे सेकंड हम पढ़ते हैं नाइट्रिफिकेशन, जिस तरह से नाइट्रोजन साइकिल में आता है। इन नाइट्रिफिकेशन ए होस्ट ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इन टर्निंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल, दिस रिक्वायर टू स्टेप परफॉर्म। देखिए आपका पहले क्या हुआ था, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ था, जो आपका गैसियस नाइट्रोजन, दो एयर में नाइट्रोजन थी, गैसियस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो थी, उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया गया था। किसमें कन्वर्ट किया गया था आपको, उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में क्या 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 किया गया, सेकेंड प्रोसेस में उसको अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। इसको पहले क्या कन्वर्ट किया गया था, N2 को NH3 में कन्वर्ट किया गया था, और सेकेंड प्रोसेस में क्या किया गया कि इसको नाइट्रिफिकेशन करके अमोनियम नाइट्रेट में किया गया, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको हम अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया, अमोनियम नाइट्रेट NH4 आप मान लीजिए इसको, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट NH4 में इसको कर दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए एक साइकिल है ना, तो एक साइड से चलाएगा, पहले जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी उसको आपने क्या किया, कन्वर्ट किया गया अमोनिया में, किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर फिक्सेशन मान लीजिए, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन मान लीजिए, या बैक्टीरियल फिक्सेशन मान लीजिए, इसके थ्रू आपको कन्वर्ट किया गया। उसके बाद इस अमोनिया को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, जो आपके प्लांट्स और एनिमल यूज कर रहे हैं। तो ये किस तरह से, ठीक है, इसमें भी दो टाइप के बैक्टीरिया आपके आते हैं, एक और आपका आता है नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया और नाइट्रो बैक्टीरिया, इसका इनका नाम याद नहीं रखना है, कभी नहीं पूछा जाता है, बट इतना जो पूछा था नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, तो नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया जो होती है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो आपकी अमोनिया वहां पे कन्वर्ट हुई थी वो अमोनिया आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। चलिए थर्ड में एसिमिलेशन होगा, क्या होगा, एसिमिलेशन। तो पूछ लेगा एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो इन एसिमिलेशन प्रोसेस जो आपका नाइट्रेट्स था, जो अभी पहले आपका अमोनिया बना, अमोनिया के बाद नाइट्रेट बना, नाइट्रेट्स था वो क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स मतलब पौधे होंगे, उसको फाइनली कंज्यूम कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसको क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और आपके जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, देम टू मेक न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे, ठीक है। मतलब समझे आप कि जो आपका नाइट्रेट बना था, ठीक है, नाइट्रेट किसके थ्रू बना था, सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू, किसके थ्रू बना था, ये देखिए नाइट्रोबैक्टीरियर और नाइट्रोसोमल इनके थ्रू बना था, तो इसको किसने कंज्यूम कर लिया, इसको कंज्यूम कर लिया प्लांट्स ने, और प्लांट्स ने कंज्यूम करके उसको क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड्स या अमीनो एसिड, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए और होते हैं, ठीक है, तो उसको अमीनो एसिड में बना दिया, और क्या किया, प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट थ्रू देयर रूट एंड यूज देम टू मेक अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द स्टार्च, ठीक है, ये स्टार्च है एक्चुअली, नहीं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट द प्लांट्स आर देन एबल टू यूज देम अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियर एसिड इन देयर ओन सेल, जैसे आपको पता है यही आपका अमीनो एसिड ही आपका प्रोटीन होता है ना,
अमीनो एसिड ही प्रोटीन होता है ना, आपको पता है ना कि अमीनो एसिड प्रोटीन होता है। जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दूं कि जो अमीनो एसिड होता है वही आपका प्रोटीन होता है। तो प्लांट्स ने जो अमीनो एसिड बनाया उसको हम लोग ने, प्लांट्स ने या एनिमल्स ने खा के अपने अंदर जो प्रोटीन, इसलिए बोलते हैं हरी सब्जियाँ खाइए आपको प्रोटीन मिलेगा, बोलते हैं ना कि आप दाल खाइए आपको प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि उन सब चीज़ में अमीनो एसिड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका अमीनो एसिड हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड हो गया, इसके बाद आपका अमोनिफिकेशन हुआ। ठीक है, तीन प्रोसेस हुआ, ध्यान रखिएगा जितना बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया कन्वर्ट होता है आपका, जो N2 होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वो कन्वर्ट होता है आपका किसमें, वो आपका कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ठीक है, और फिर आपसे पूछ लेगा नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में जो होता है अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ठीक है, फिर पूछ लेगा आपसे एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में नाइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड्स में या प्रोटीन में। ठीक है, यही होता है आपका प्रोटीन या अमीनो एसिड भी इसको आप बोल सकते हैं। फिर आपका आएगा अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिफिकेशन में होता है कि ये भी आपका सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और आपका जो डिकम्पोज डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनमें इस प्रोसेस में डिकम्पोजर क्या करते हैं, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड को फिर से तोड़ देते हैं किसमें, नाइट्रेट और अमोनिया में, और ये दोबारा किसमें चले जाते हैं, सॉइल में। ठीक है, ये जानवर ने खाया, अब ये जानवर या इंसान जो था वो क्या हुआ, डेड हो गया। जब ये डेड हो जाएगा तो डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर मतलब आपका डिक्टिवोरस जो बैक्टीरिया होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, वो क्या करेंगे, उसको फिर तोड़ देंगे किसको, जो अमीनो एसिड इन्होंने खाया था या न्यूक्लिक एसिड जो खाया था उसको फिर से आप तोड़ देंगे, ये लोग तोड़ देंगे नाइट्रेट में या तो अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रेट में या तो अमोनिया में तोड़ देंगे, और फिर से ये किस में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। ठीक है, जब ये फिर से सॉइल में चला जाएगा तो इसके आगे क्या होगा, फिर आपका सबसे लास्ट प्रोसीजर है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, इन द फाइनल स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट को तोड़ देंगे नाइट्रोजन गैस में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं आपका नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रेट किसके किस में कन्वर्ट कर देते हैं आपका, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो पूरा प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज लाइक द प्रोसेस ऑफ टर्निंग नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया, मस्ट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज सच इन अदर केस डीप इन द सॉइल और इन द वेट एनवायरमेंट वेयर मड एंड, ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा प्रोसेस क्या हुआ। पूरा प्रोसेस हुआ अगर इसको साइकिल के थ्रू समझें, कि सबसे पहले आपका N2, ठीक है, क्या हुआ, N2 मतलब नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स ने लिया, और प्लांट्स में लेने के बाद क्या किया गया, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका किसी भी तरह से इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या आपका बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके थ्रू भी हो सकता है, या तो आपका जानवरों के खाने से हो सकता है, इंडस्ट्रीज होता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो उसको कन्वर्ट हुआ आपका नाइट्रेट में या तो आपका अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रेट में या अमोनिया में हुआ था, उसके बाद क्या कन्वर्ट हो गया था आपका, नाइट्रिफिकेशन में। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में कन्वर्ट हुआ था, फिर नाइट्रिफिकेशन में किसके थ्रू हुआ था, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू हुआ था, फिर आपका एसिमिलेशन हुआ था, एसिमिलेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको साइकिल को आप लोग मेंस के हिसाब से जरूरी है, प्री के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे हुआ ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। एक बार फिर आपको थोड़ा समय एक बार रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर जोर लगा रहा हूं, अदरवाइज कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रीलिम्स के हिसाब से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में गैसियस नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है पहला चीज। ठीक है, वो किसके थ्रू हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, बैक्टीरियल फिक्सेशन, किसी के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में आपका जो अमोनिया होती है वो आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अमोनिया जो होती है वो आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तीसरा आपका एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं
नाइट्रेट जो उधर पे कन्वर्ट हुआ था वो कन्वर्ट हुआ था आपका अमीनो एसिड में या न्यूक्लियोटाइड में, जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन के बाद होता है आपका एमोनिफिकेशन, ठीक है। एमोनिफिकेशन में क्या होता है, एमोनिफिकेशन में होता है कि जो मरे हुए जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनको डिकम्पोजर द्वारा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है फिर से अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड में। और फाइनली आपका क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपका कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन गैस में, और फाइनली ये नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में चले जाता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा इस पर जोर लगाया गया है, ठीक है। चल इसके बाद हम बात करें वाटर साइकिल की, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, सबको पता है। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। प्रिसिपिटेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, कि मतलब बारिश ये ऐसी चीज है जिससे आपको क्या है वाटर मिल सकता है, उसके अलावा कोई प्रोसेस वाटर आप बना नहीं सकते। कहाँ से आएगा ये वाटर, ये वाटर आपका प्रिसिपिटेशन, या तो रेन बारिश होगी आपकी, या स्नोफॉल होगा, या स्लश ड्यू जो ओस की बूंदे गिरती है उसी से आता है ना। इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ रिटर्न बैक टू एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर रिजल्ट, और जाता कैसे है वो आपका वाटर वेपर का जो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। कुछ कैसे जाएगा, आएगा किससे, प्रेसिपिटेशन, बारिश से आएगा या तो स्नोफॉल से या तो इससे आएगा, और इवेपोरेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम वाटर साइकिल बोल देंगे। पानी का जमीन तक आना और जमीन से फिर आपका एटमॉस्फेयर में चले जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी सेम होता है, वाटर साइकिल भी सेम होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कभी आपसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूछ ले कि रिलेटेड किससे है, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, वाटर से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाटर इज नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऑलमोस्ट 95% ऑफ टोटल वाटर अर्थ इज केमिकली बाउंड टू द रॉक्स एंड डज नॉट साइकिल। सिंपल देखिए, आप लोगों को हमें पता है कि हम लोग काउंट करते हैं कि 100% वाटर जो है वो आपका 100% वाटर में से 90 आपको कहते हैं हम लोग कि 97% वाटर जो है वो आपका महासागर में। लेकिन आप सोचिए कि जो महासागर में भी है ना वो भी टोटल वाटर का 5% है, अर्थ में जो टोटल वाटर है उसका 5% है। बिकॉज जैसे आपको पता है कि पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस चीज में है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स है या तो गैस है। और ये मिनरल्स किसमें पाए जाते हैं, पत्थर में, किसमें पाए जाते हैं, रॉक्स में, ठीक है। ये मिनरल्स किसमें पाए जाएंगे, रॉक्स में पाए जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि करीब 95% ऑफ टोटल वाटर अर्थ इज केमिकली बाउंड टू द रॉक्स, क्योंकि ये केमिकल जो है वो आपके रॉक्स में है, सिर्फ 5% जो है पानी के रूप में है। और ये पानी के रूप में हमको कहाँ मिलता है, 97.3% हमको ओशियन महासागर में मिलता है, 2.1% जो है आपका पोलर आइस कैप जो बर्फ के रूप में मिलता है, और सिर्फ 0.6% जो है हमें फ्रेश वाटर जो हम लोग पी पाते हैं वो आपका एटमॉस्फेरिक वाटर में जो पानी बरसता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में और सॉइल वाटर में, जो आपको जमीन में, नदी में जो है, तालाब में जो है वो वाटर, और जो पानी के अंदर वाटर है वो 0.6%, मतलब 100% का 0.6% ही वाटर जो है हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। पानी की कितनी स्कार्सिटी है, जबकि हमारा जब हम कहते हैं कि 97% जो ओशन में, हमारा इंडिया तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका बैंगलोर देखिए स्कार्सिटी होने वाली है, उसका नियर फ्यूचर में आप देखें तो दो तीन साल में सुनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ड्राइविंग फोर्स वाटर साइकिल का कैसे, ड्राइविंग किसी चीज़ को साइकिल के लिए ड्राइविंग फोर्स मतलब उसको चलाने के लिए ताकत कहाँ से मिलती है, एक तो सोलर रेडिएशन से मिलती है, ग्रेविटी। सोलर रेडिएशन से कैसे, कि सोलर की जो सूर्य की किरणें आती हैं जो पानी होता है उसको वाष्पीकृत करती हैं और वो चली जाती हैं ऊपर। वाष्पीकरण से कोई चीज़ हल्की होती है, गैस हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, और ग्रेविटी से वो फिर से पानी की बूंद के रूप में बरस के नीचे आ जाती है। तो यही दो ड्राइविंग फोर्स हैं आपके ना, एक तो सोलर रेडिएशन है, ग्रेविटी। इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वाटर साइकिल। जैसे कि आपको बताया जा चुका दो ही मेन प्रोसेस है, पानी का ऊपर जाना एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन के थ्रू हो सकता है, वाष्पीकरण के थ्रू, और पानी का नीचे आना सिर्फ प्रेसिपिटेशन के थ्रू हो सकता है। इवेपोरेशन होता है सोलर रेडिएशन से और प्रेसिपिटेशन होता है ग्रेविटी की वजह से। दिस टू प्रोसेस अल्टरनेट विच ईच अदर। वाटर फ्रॉम द ओशन, लेक, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम इवेपोरेट बाय द सन्स हीट एनर्जी। प्लांट्स ऑल्सो ट्रांसपायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर रिमेन्स इन द वेपर स्टेट इन द एयर फॉर clouds that drift with the wind. Clouds meet with the cold air in that mountainous region above the forest and condense to form rain precipitation which comes down due to gravity. Simple ये है कि जो आप types of rain में पढ़ते हैं, types of rain में एक आप पढ़ते हैं, types of rain में क्या होता है, बहुत सारी rains होती हैं,
जिस रेंज में एक आप पढ़ते हैं कि जो वाष्पीकरण होता है वो जब ऊपर जाता है चीज़ें, तो या माउंटेन से टकराती हैं, ठीक है, माउंटेन से जब टकरा जाती है तो ऊपर जाके तो ठंडी हो जाती है और फिर पानी के रूप में बरस जाती है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन के बारे में कि बारिश कैसे होती है। ऑन एन एवरेज 84% ऑफ वाटर इज लॉस्ट। टोटल बोल रहा है कि अगर 100% वाटर धरती पे है, उसको जो जितना वाटर उसको हम 100% मान लें, तो करीब इसमें बोल रहा है 84% वाटर जो है वो चला जाता है थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है, थ्रू इवेपोरेशन 84% वाटर जाता है, लेकिन देखिए 84% वाटर गया ऊपर आपका, ठीक है, जिसमें से 77% आपका पानी के रूप में बह गया, 77% कैसे 77% पानी के रूप में बरस गया, 84% चला गया हवा में, 70% आ गया, तो कितना डिफरेंस आया 7% का। ये 7% कहाँ से आएगा, ये 7% आपका रिवर्स से आ जाएगा, किससे आ जाएगा, रिवर्स से, तो टोटल कितना हो गया 84% गया और 84% ही आ गया, ठीक है। तो यही सिंपल प्रोसेस, साइकिल का मतलब होता है जितना जाए उतना आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, परफेक्ट साइकिल। इसीलिए गैस को हमेशा हम लोग परफेक्ट साइकिल बोल देते हैं, क्योंकि 84% आपका पानी जो था वो क्या हुआ, चला गया हवा में, किससे, वाष्पीकरण से, और करीब 77% बारिश के रूप में बरस गया। जो 7% का डिफरेंस आया, ये 7% बहने वाली नदियां जो होती है, जो बहने वाली रिवर्स होती है, जो आपकी बाद में ओशन में आके मिल जाती है, उसके थ्रू पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है किसी तरह से इसको बैलेंस कर दिया जाता है। और ऑन लैंड इवेपोरेशन इज 16%, इवेपोरेशन इज 23%, ठीक है। इसीलिए अगर बोला जाए तो 16% आपका इवेपोरेशन हो जाता है और लैंड पे, यह हम बात कर रहे थे कहाँ पे, यह हम बात कर रहे थे ओशन पे, ठीक है। और लैंड पे, धरती पे क्या हुआ, जमीन पे क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया 16%, ठीक है, 7% जो यहाँ पे ज्यादा था, देखिए यहाँ पे 16% जमीन से 16%, फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है, आप तो कंफ्यूज मत होइए, दो चीजें हुई, ठीक है, एक चीजें हुई ओशियन महासागर और एक चीज हुई लैंड जमीन। यहां से 84% वाटर चला गया हवा में और 77% बरस गया, ठीक है, ध्यान रखिए इसमें कितना डिफरेंस हुआ, 7% गैप हो गया। धरती में से, जमीन में से 16% वाटर ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे 23% बरस गया, तो कितना परसेंट ज्यादा हो गया, यहाँ पे 7% ज्यादा प्लस हो गया, यहाँ 7% निगेटिव हो गया। तो यही 7% पानी जो यहाँ पे ज्यादा बरसा था, ये पानी, ये नदी के रूप में यहाँ पे आके मिल गया और इसको बराबर कर दिया, ठीक है। तो 84% यहाँ रह गया, 16% यहाँ रह गया, इसको मिला के 100% हो गया। इसी को रिसाइक्लर बोली, याद करना इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात कर दी गई है कि हर चीज़ रिप्लेनिश की जा रही है। ये आपका वाटर साइकिल हो गया, ठीक है, आपका ग्राउंड वाटर मान लिया, सरफेस वाटर मान लिया, प्रेसिपिटेशन मतलब यही बारिश जो होती है, कंडेंसेशन होता है जब आपकी कोई चीज़ ऊपर जाकर ठंडी होकर जम जाती है, उसके बाद वो बारिश के रूप में बरस जाती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, मेंस के लिए इसको आप बना सकते हैं, प्रीलिम्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करें सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल को हम रॉक साइकिल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रॉक पत्थर का साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल ना, तो हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम जो है वो आपका सर्कुलेट होते हैं किसके थ्रू, सेडिमेंट्री साइकिल मतलब ये चीज जो होते हैं हमेशा सॉलिड रूप में होती है, कभी गैसियस रूप में नहीं हो सकते, मैग्नीशियम कभी गैसियस रूप में नहीं हो सकता, फॉस्फोरस गैसियस रूप में नहीं हो सकता, कैल्शियम भी गैसियस रूप में, तो ये हमेशा सॉलिड रूप में होंगे। तो इनका जो भी साइकिलिंग होगा वो किसके थ्रू होगा, वो आपका सेडिमेंट्री थ्रू होगा। सेडिमेंट्री मतलब होता है, आपको पता है सेडिमेंट का थ्रू छोटा छोटा चूरा अगर किसी चीज़ का कर दिया, सेडिमेंट्स कोई चीज़ को तोड़ के छोटा छोटा कर दिया उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, जो बची हुई चीज़ जैसे रेत होती है वो आपका सेडिमेंट है। तो सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमोसफियर बट फ्लो थ्रू एरोजन, सेडिमेंटेशन, माउंटेन्स, बिल्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सट्रेटा ऑफ मेरिन वर्ड्स। सिंपल, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं, इसका कहने का जो मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो है क्या ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मैग्नीशियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये आपका हवा के थ्रू नहीं सर्कुलेट होते, हमेशा जमीन में पानी के थ्रू, इरोजन मतलब हवा के थ्रू, पानी के थ्रू उसी तरह से सर्कुलेट होंगे, ठीक है, बस इतना समझना है आपको। इसके बाद बात करें फॉस्फोरस साइकिल की, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल, तो आपको पता है फॉस्फोरस इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, एज फॉस्फेट इट्स मेक अप इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट शोस डीएनए आरएनए में फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फॉस्फोरस साइकिल हम अगर पढ़ें तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डीएनए आरएनए जो भी बनता है वो किसके थ्रू बनता है, आपका
फॉस्फोरस से ही बनता है। फॉस्फेट्स आर ऑल्सो ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एटीपी, जो होता है जिसको आपका सेलुलर एनर्जी का आप बैंक भी कहते हैं आप, ठीक है। तो उस जो भी एनर्जी स्टोर होती है आप एटीपी रूप में स्टोर होती है, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। दिस सर्व एज एन एनर्जी रिलीज फॉर टू यूज इन बिल्डिंग प्रोटीन और कॉन्ट्रैक्टिंग मसल लाइक कैल्शियम फॉस्फेट इंपोर्ट टू मल्टीब्रेट इन द ह्यूमन बॉडी। 80% ऑफ फॉस्फोरस इज फाउंड इन द टीथ एंड बोन्स। आपकी बॉडी में करीब 80% फॉस्फोरस जो होता है वो आपका हड्डियां जो बनती है और आपके दांत जो बनते हैं उसमें पाया जाता है, इसलिए फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी एनिमल या हम इंसान, एनिमल हम भी एनिमल ही मान लेते हैं, तो एनिमल या ह्यूमन कोई भी, उसमें करीब जो आपके फॉस्फोरस होता है वो आपके टीथ और बोन्स बनाने काम आता है। तो फॉस्फोरस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इवन आपका एक्वेटिक जो होता है, ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें आपका फॉस्फोरस आकर लार्ज अमाउंट एज ए मिनरल्स इन द फॉस्फेट रॉक्स एंड एंटर द साइकिल फ्रॉम इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल किस टाइप का? एक सेडिमेंट्री साइकिल है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फॉस्फोरस साइकिल क्या है आपका, आपका गैसियस साइकिल है या सेडिमेंट्री साइकिल है? तो एक सेडिमेंट्री साइकिल है, जो आपकी रॉक्स होती है ना, मतलब पत्थर जो होते हैं, स्टोन जो होते हैं, वो बने होते हैं फॉस्फोरस से। तो वो जब इरोड होते हैं, इरोड मतलब इरोजन, इरोजन मतलब घिसना, टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो नदियों द्वारा उसको कहाँ ले जाया जाता है? ओशियन में ले जाया जाता है, ओशियन मतलब सागर या महासागर में ले जाया जाता है। और वहाँ पे जो भी आपके छोटे मोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जिसमें आपकी मछली आ गई, मगरमच्छ हो गए, सब हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इनसे ही, या तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम लोग प्लैंकटॉन्स पढ़ रहे थे पहले, प्लैंकटॉन्स जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है उनको? न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। While obviously beneficial for many biological processes, in surface water an excessive concentration of phosphorus is considered as a pollutant. Phosphate stimulate the growth of the planktons and plants, favoring weed species over others. Excessive growth of these plants tend to consume large amount of dissolved oxygen, potentially suffocating fish and other marine animals, while are also blocking available sunlight to bottom dwelling species. This is known as very most important यूट्रिफिकेशन। ये आपका मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और प्रीलिम्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, यूट्रिफिकेशन किसके थ्रू होता है? यूट्रिफिकेशन आपका होता है फॉस्फोरस, ठीक है। एक्चुअली सब मिनरल्स के थ्रू होता है, लेकिन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इसलिए है कि यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, अगर सिंपल समझने की हम बात करें, यूट्रिफिकेशन में होता है कि जो आपका फॉस्फोरस और मिनरल्स होते हैं ना, जिनको नदियाँ लेके आती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में कब आएंगे? जब इंसान उस चीज़ को क्या करता है, उसमें इंटरफेरेंस करता है। कैसे? जब आप लोग पेड़ पौधे काट देते हैं, तो जो आपकी पेड़ की क्षमता होती है, पेड़ की जड़ की जो क्षमता होती है चीज़ों को बांध के रखने की, वो छूट जाती है, ठीक है। सपोज किसी पेड़ के पौधे ने, किसी पेड़ की जड़ ने फॉस्फोरस को बांध रखा है, लेकिन आपने उसको काट दिया तो वो फॉस्फोरस रिलीज हो जाएगा। दूसरा, आप लोग माइन करते हैं, माइन मतलब माइनिंग, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, पत्थर निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पत्थर ने जो मिनरल्स बांध के रखे थे वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो नदी आएगी, उसको बहा के ले जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में कहाँ पहुँच जाती हैं? आपकी समुद्र में या आपकी नदियों में पहुँच जाती हैं, जहाँ पे छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स एंड प्लांट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा मिनरल्स मिल जाता है। ज़्यादा मिनरल्स, जैसे इंसान को अगर ज़्यादा खाना मिल जाए तो वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो अगर इनको ज़्यादा मिनरल्स मिल जाएगा तो ये लोग ज़्यादा तेज से बढ़ने लगेंगे, और जब ज़्यादा तेज से बढ़ने लगेंगे तो क्या करेंगे, ये जो आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ जिसको कहते हैं, ठीक है, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका ज़्यादा यूज करने लगेंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे कि जो आपकी फिश होगी, जिसको डिजॉल्व, क्योंकि जितनी भी चीज़ें रहती हैं पानी में, उन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से। तो ये पौधे भी जो होते हैं, जो आपके प्लैंकटॉन्स होते हैं, वो भी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए, जो फिश रहती है या और मरीन एनिमल्स होते हैं, उनके लिए क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एक ये कर देंगे, दूसरा क्या करेंगे, ये इतना पानी के ऊपर फैल जाएंगे कि इनके ऊपर जब भी सन रेज गिरेगी तो वो सन की किरण को नीचे नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, नीचे और जो पेड़ पौधे पनपना चाह रहे हैं या जानवर रहने चाह रहे हैं जिनको सूर्य की किरणों की जरूरत होती है, उनके तक नहीं पहुंचेगी और धीरे धीरे मर जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मेन स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस इन द अर्थ क्रस्ट, ऑन लैंड फॉस्फोरस इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। सिंपल बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज होता है फॉस्फोरस का, वो आपके अर्थ के क्रस्ट में होता है, जो आपका अर्थ के क्रस्ट में आपके रॉक के रूप में हो सकता है,
ठीक है, और बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन फॉस्फेट इंटर रिवर्स एंड स्ट्रीम। सिंपल वही चीज बोलना है आपका, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं। ये सिंपल यही बोलना है कि जो आपके पेड़ पत्थर होते हैं, पत्थरों का जब इरोजन होता है, पत्थर टूटते हैं तो धीरे धीरे वह ओशीन में चले जाते हैं, और ओशीन में जब चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि फॉस्फेट के रूप में जो होते हैं वापस नहीं आ पाते हैं, और इस तरह से जो क्या फॉस्फोरस साइकिल आपका दिक्कत कर जाती है। ठीक है, तो यही आपका कहना चाह रहा है कि आपका क्या होता है फॉस्फोरस में। देखिए पढ़ लेते हैं। द मेन स्टोरेज ऑफ द फॉस्फोरस इन द अर्थ क्रस्ट ऑन लैंड फॉस्फोरस यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन फॉस्फेट इंटर रिवर्स एंड स्ट्रीम दैट ट्रांसपोर्ट देम टू ओशियन। वही चीज बोल रहा है कि पत्थर जो टूट जाते हैं वो धीरे धीरे ओशियन में चले जाते हैं। इन द ओशियन वंस द फॉस्फोरस एक्यूमुलेट ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्युबल डिसॉल्वेंट्स। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर द क्रिस्टल प्लेट्स राइजेस फ्रॉम द सी फ्लोर एंड एक्सपोज द फॉस्फोरस ऑन लैंड। तो आपका क्या होगा उसके बाद, इसके बाद जो होता है आपका क्रिस्टल प्लेट्स जो होती है, ठीक है, जो आपका जब पानी के अंदर जो प्लेट है वो धीरे धीरे क्या होंगी, कभी कभी ऊपर आ जाती है, जब ऊपर आ जाती है फिर से उनका क्या होता है, उनका वेदरिंग हो जाती है और फिर से रॉक क्या होती है वो साइकिल में आ जाती है। सिंपल कह रहा है, इतना समझने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर रन ऑफ प्रोवाइड मच ऑफ द फॉस्फेट फाउंड इन द वाटरवेज। क्रॉप्स ऑफन कैन नॉट अब्जॉर्ब ऑल द फर्टिलाइजर इन द सॉइल कॉजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर रन ऑफ और इंक्रीज द फॉस्फेट लेवल इन द रिवर एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। यही सिंपल चीज बोल रहा है कि एग्रीकल्चर में भी हम लोग जो यूज करते हैं फॉस्फेट, आपको पता है यूरिया जो होता है उसमें फॉस्फेट आपका बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें जो आपके पेड़ पौधे होते हैं टोटल कंज्यूम, तो फॉस्फेट को टोटल कंज्यूम तो नहीं करवा पाते और वो आपका चला जाता है रिवर और बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब वो सीन में आपका चला जाता है। इस तरह से ये चीज़ भी नुकसानदायक होती है जो आप लोग यूज करते हैं क्या है, यूरिया। और इवन पहले के ज़माने में जो होता था, आप लोग साबुन यूज करते थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होता था। ठीक है, साबुन या कपड़े धोने का जो सर्फ होता था उसमें भी फॉस्फेट, धीरे धीरे उसमें रोक लगा दी गई जिसकी वजह से थोड़ा सा ठीक हुआ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था। तो फॉस्फोरस साइकिल अगर आप समझे, यहाँ पर देखिए इसे फॉस्फोरस साइकिल समझने की अगर कोशिश करें तो एनिमल मैन्योर एंड बायोसॉलिड बोल रहा है इसमें देखिए क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है, प्लांट का जो रेसिड्यू होता है वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में माइक्रोबल प्लांट्स रेसिड्यू में चला जाता है। इसके बाद सोल्यूबल बोल रहा है उसका, प्लांट धीरे धीरे ले लेगा उसको, इसके बाद एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा मिनरल के थ्रू, और ये सब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए इतना पढ़ने लगा दिया गया है जिससे आप अगर देख पाए तो देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़े सल्फर साइकिल की, ठीक है, फॉस्फोरस के बाद सल्फर साइकिल पढ़ते हैं। सल्फर साइकिल भी एक तरफ का सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट सल्फर इज वन ऑफ द कंपोनेंट डेट मेकअप द प्रोटीन एंड विटामिन। सल्फर भी जो आपका प्रोटीन और विटामिन बनाने में बहुत ज्यादा यूज आता है, ठीक है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, जैसे कि आपको पहले बताया गया, दैट कंटेन सल्फर एटम, उसमें भी क्या होता है सल्फर्स होता है। तो इंसान की बॉडी के लिए, एनिमल की बॉडी के लिए सल्फर भी उतना ही जरूरी है। सल्फर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम इन द प्लांट्स एंड इन एनिमल दैट डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर सल्फर्स। प्लांट्स अब्जॉर्ब सल्फर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो आपका जो पानी में घुल जाता है, जो पानी में सल्फर घुल जाता है उसी को यूज कर लेते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस में। एनिमल कंज्यूम दिस प्लांट्स सो दैट दे टेक अप एनफ सल्फर टू मेंटेन देयर हेल्थ। तो क्या करते हैं एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो लोग इसी को पेड़ पौधे को खाते हैं या पेड़ पौधे से मिली हुई चीज़ों को खाते हैं, जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो उनसे हमें सल्फर मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सल्फर टाइट ऑफ द, जो ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर है वो आपको बता पहले बताया जा चुका है कि क्रस्ट में ही रहेगा आपका, क्योंकि ये सेडिमेंट्री है तो रॉक्स में ही रहेगा एंड सॉल्ट में रहेगा, और आपके या तो ओशियन के नीचे जो प्लेट होती है ना, ओशियनिक प्लेट जो होती है उसमें भी रहेगा। सल्फर कैन ऑल्सो बी फाउंड इन एटमॉस्फेयर, इट इंटर द एटमॉस्फेयर थ्रू द बोथ नेचुरल ह्यूमन सोर्सेज। जो एटमॉस्फेयर में ये पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, जो सल्फर आपका रॉक्स में है या पानी के अंदर है वो एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचेगी, तो नेचुरल रिकोर्स कैन बी स्टैंड वॉल्केनिक इरप्शन। जो आपका वॉल्केनिक होता है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब आपका ज्वालामुखी जो होता है उससे जो भी गैस निकलती है उसमें आपकी सल्फर होती है, क्योंकि आपका जो वॉल्केनिक आपको पता है कि जो आपका ज्वालामुखी होता है कैसे होता है, ज्वालामुखी तो ऐसे ही होता है ना कि आपका रॉक्स होती है, दो रॉक्स, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है और रॉक्स ही जब आपके नीचे चल जाके मेल्ट हो जाती है, तो ये मेल्ट होके जो रॉक्स निकलती है लावा के रूप में रॉक्स मिलते निकलती है, और इससे जो गैस निकलती है तो सल्फर होगा, वो आपका सल्फर कुछ चला जाएगा, ठीक है, और या तो इवेपरेशन ऑफ वाटर, पानी में जो घुला हुआ सल्फर है वो इवेपरेशन वाष्पीकरण से चला जाएगा, और या तो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मतलब डिकम्पोजर जो होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जानवरों को जब खाते हैं उनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें जो सल्फर होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। व्हेन सल्फर एंटर एटमॉस्फेयर थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज मेनली अ कंसीक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रीज वेयर सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आर एमिटेड ऑन द वाइड स्केल। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में आती है,
ठीक है, नुकसानदायक गैस है। तो आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो आपका जाती है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंटर द एटमॉस्फेयर इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड और विद अदर केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस सल्फर सॉल्ट। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑल्सो रिएक्ट टू वाटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम डाइमेथिल सल्फाइड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना समझना है कि जो आपकी सल्फर होती है वो आप लोग इंडस्ट्री में जब चीज़ों इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपकी चली जाती है, वहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है। ऑल दीज पार्टिकल विल सेटल डाउन इन टू ऑन टू द अर्थ और रिएक्ट विद द रेन एंड फॉल बैक। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो एयर में मतलब एयर में जो सल्फर गई है वो कहीं ना कहीं तो आपकी फ्लोट करती रहेगी और जब बारिश होगी तो ये फिर से क्या होगी, धीरे धीरे पानी जमीन पे आ जाएगी और इसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं ना। आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है यही आपका पानी के रूप में बरसता है, इसको आप एसिड रेन कहते हैं। दिस पार्टिकल विल देन बी ऑब्जॉर्व बाई द प्लांट्स। धीरे धीरे फिर से प्लांट्स ने ऑब्जॉर्व कर लिया और फिर से आपका रिलीज कर दिया सल्फर को एटमॉस्फेयर में। तो ये धीरे धीरे ही सल्फर साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। सिंपल आपको इतना समझना है कि सल्फर कहाँ से आती है, आपके पेड़ पौधे आपके जो पत्थर होते हैं रॉक्स होते हैं उसमें से, यह वॉल्केनिक इरप्शन से आती है और वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चली जाती है और बाद में बारिश के रूप में बरस जाती है जो फिर प्लांट्स खा लेते हैं। प्लांट्स खाने के बाद एनिमल्स खा लेते हैं, एनिमल्स खाने के बाद फिर मर जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, फिर से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। साइकिल का तो यही मतलब होता है ना। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब आपके एग्जाम होते रहेंगे MPPSC आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा देखेंगे क्योंकि इन वीडियो को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि फ्यूचर में आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।